आज अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है। आपको अच्छा लगता है ना, गर्व होता है ना, ये पुण्य का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पवित्र काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बताइए इस पुण्य के हकदार कौन है, इस पुण्य के हकदार कौन है? इसके पुण्य के हकदार आप है जिन्होंने एक वोट देकर के मजबूत सरकार बनाई है। और देखिए देश में वोट बैंक की राजनीति कितनी विकृति पर पहुंची है, कितनी विनाशक बन गई है कि 500 साल के संघर्ष के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश के कोटि कोटि जन, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 11 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 1,00,000 रुपया, आप सबने दान दे करके प्रभु राम का मंदिर बनाया है। ये प्रभु राम का मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है, ये प्रभु राम का मंदिर टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना है, ये हिंदुस्तान के राम भक्तों के जेब से निकले हुए पैसों से बना है, आपके पैसों से बना हुआ है। और जब अब आपको पता है देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की, आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में भी यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा, ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे।